दुनिया ने आपको दो तरह से पिला है। हिंदुस्तान के चैंपियंस ने भाई भिखारियों को फाइनल में क्या पेंटा मारा है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने टीम पर तनकीद करने वालों को हैकल जैकल और मिस्टर बीन करार दे दिया। आई नो कि यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी नहीं। अजीब सी फजूल से लोग फजूल सी बातें करते हैं। मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मीडिया को ऐसे लोगों को लग अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मीडिया वाले जब हारते हैं तो ऐसी कैरेक्टरों को सामने ले आते हैं जिनका खुद डिसिप्लिन हमेशा सारी जिंदगी गंदा रहा है। रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के पठानों ने नकली पठानों को ऐसा पेंटा फाइनल में मार दिया कि एक साल तक ये नहीं भूल पाएंगे। देखिए मुझे तो हैरत है, अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, अभी तक इसे मैच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में, यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली अब देखिए मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना ये उसने अच्छा नहीं किया। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी। सेकेंडली देखिए हम तो जानते हैं, मैं यूसुफ और पूरी टीम जानती है कि अफरीदी का कैलिबर क्या है और बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं 20 साल से। अपना कैलिबर हमें हमारे तक रखे तो बेहतर, पूरे पाकिस्तान को ना बताए किसी की जातियात पे हिट करके वो किस कैलिबर का आदमी है। सेकेंडली अपनी परफॉर्मेंस देखे, जिस तरह कभी कहता है कि मैं बैट्समैन नहीं हूं, फिर कहता है मैं बॉलर नहीं हूं, फिर कहता है मैं ये हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो। भाई आप कराची जमखाना से खेल रहे हैं या पाकिस्तान से खेल रहे हैं? जब परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमने तो वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, और मैंने तो वो बात की जो ग्राउंड पे कर रही है। 2007 में भी यही टीम थी जिस टीम ने आपको पेला था, और 2024 में भी यही टीम है जिस टीम ने आपको पेला है। जब परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमने तो वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, और मैंने तो वो बात की जो ग्राउंड पे कर रहे हो तुम, और ग्राउंड पे तुम नहीं करके दोगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे। अब ये चाह रहे हो कि जी आप फुल परफॉर्मेंस भी दें फिर आपको बैक भी करें। आपने पाकिस्तान को आगे तो लगाया हुआ है, मतलब आप खुद खुदा का खौफ करें, हमें परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, ऊपर चोर मचाए शोर वाली बात कर रहे हो आप। देखें बात यह है कि आप जियो न्यूज पे हमारा हम बैठते हैं, अगर आपने कहना तो नाम लेके कहो जी कि शुएब मुझे क्रिटिसाइज करता है, पहला ये पूछ ले पूरी आवाम सर्वे करा लेंगे शुएब जो बात करता है वो गलत करता है। वो इसलिए करता है कि भाई पाकिस्तान बेहतरी आ जाए, और दूसरा मैंने सबसे ज्यादा अफरीदी को बैक किया है और सबसे ज्यादा मैंने कहा इसको खिलाया जाए। लेकिन जब आप ये ड्रामे करोगे पाकिस्तान के लिए जी मैं बैट्समैन नहीं हूं, कभी आप 400 वनडो में आप जिस तरह शॉट मार के आउट हुए ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। अब इन कौन सी सीरीज आपको पाकिस्तान ने आपको आपने जिता दी है, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो फिर से आपको बैक करें? और बात यह है, दूसरी बात यह है कि देखें मीडिया पे आके थोड़ा मैच्योरिटी से बात करें। क्या अभी तक आप मेंटली बड़े नहीं हुए हैं कि आप मीडिया के सामने आके ऐसे ऐसे ओड़ करके बातें करते हैं आप? मुझे तो सभी समझ नहीं आ रही कि ये कब बड़ा होगा। शुएब अब इनके साथ खेल भी चुके हैं, आपका क्या ख्याल है ऐसी कौन सी कोई खास बात है जिसने जाके उन्हें हिट किया है कि इतना ज्यादा रिएक्शन आया उनका? देखिए बात यह है कि ग्राउंड में परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप आउट होके आ जाएंगे, जब आप बुरी बॉलिंग करेंगे, जब आप बुरी बैटिंग करेंगे, ये आप अपनी वजह से बाहर होते हैं, एक मीडिया के कहने की वजह से बाहर नहीं होते। मैं पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला हूं, मुझे किसी मीडिया वाले आज तक बाहर नहीं कर सका, जब तक मैं अनफिट नहीं हुआ या जब तक मैंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता था। अल्लाह की ज्यादा होती खिलाने वाले और नीचे आप करने वाले होते हैं, आपको कोई बार नहीं करता। ये किस किस्म का व्यम और गुमान है अफरीदी को कि शायद कि उसे लगता है शायद मीडिया वाले बाहर निकालते हैं मीडिया रखते हैं। भाई हमें जो ग्राउंड में हो रहा है मैंने उसके बारे में बात करनी है, मुझे जो ग्राउंड में नजर आया जो अफरीदी कर मैंने उसके बारे में बात करी। भाई 360 वनडो में से 360 विकटे हैं, एक विकेट पर मैच है, तो कौन सा बड़ी कारनामा कर दिया पाकिस्तान के लिए? 36 की एवरेज बैटिंग की है, 22 की 22 की एवरेज बैटिंग में 36 की आपकी बॉलिंग में, तो कौन सा कारनामा कर दिया आपने? ये भाई मीडिया ही था जिनको आपने आपको जो स्टार बनाया। गुफ्तगु कर रहे हैं अफरीदी ने खास तौर पर ये भी कहा है कि कुछ लोगों का अपना डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, तो उनकी इस बात का क्या मतलब है? आपका एक बार ड्रेसिंग रूम में उनसे झगड़ा भी हुआ था आप जब उनके साथ खेलते थे, तो आपका तो जिक्र नहीं है, आप ही पे अटैक नहीं हो रहा इसमें? देखिए मैं जातियात पे जाने पे बिल्कुल एतबार नहीं करता, ना ही मैं किसी की जात पे हेट करना चाहता हूं। जो पाकिस्तान के लिए ठीक है मैं बात करूंगा, वैसे भी जितना मैं जानता हूं जो बाकी टीम जानती है अफरीदी को सबको पता है उसके बारे में, हम वहां उस जगह पे नहीं जाएंगे।
और ना ही जातियात पेट करें, जो मैं जानता हूं तो वो तो पूरी किताब में लिख सकता हूं उसमें क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ 20 सालों में, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कहले पर नहीं है कि मैं जाके लोगों पे जाके मीडिया बैठ के भी बैठ के मैं उसकी तनकीद करूं, उसकी जातियात पेट करूं। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों ने किन किन लोगों ने क्या क्या किया हुआ पाकिस्तान टीम में, और मैं वाहिद बंदा हूं जो पूरे मीडिया में बैठ के इंडिया में आज बैठ के मैं अपने लड़कों की हमेशा तारीफ करता हूं। मैंने आज तक किसी लड़के का नाम नहीं लिया, मुझे पता है कि किस किस जगह कहां कहां पाकिस्तान बिका है जी, किस किस जगह किस किस लड़के ने पाकिस्तान को क्या क्या डैमेज किया है। चले श्वेत बूम बूम ने बिकारियों, तुम लोगों का तो संडे रात ही रात में खराब हो गया भाई। क्या है यार पड़ोसियों, क्या हो यार तुम लोग, बच्चे तुम्हें फेल के चले जाते हैं, जवान तुम्हें फेल के चले जाते हैं, हिंदुस्तान के युवराज सिंह का पेट देखो, इतना बड़ा पेट हो के भी तुमको फेल के चला गया, थोड़ा शर्म कर लो भाई। तुम्हारी टीम में तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक रिटायर भी नहीं हुए, इरफान पठान और जो है वो यूसुफ पठान ने, रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के असली पठानों ने नकली पठानों को पेंटा इंजेक्शन लगा दिया। मुझे पता है हंसी किस बात पे आ रही है, नहीं तो ये मैच इतना सीरियस हमने और आपने लिया ही नहीं था कि कोई भी जीते कोई बात नहीं यार, एक्सपायर बुड्ढे ही खेल रहे हैं क्या होगा, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि पड़ोसियों के जो बुड्ढे हैं ना ये बड़े मस्त हैं, ये दो दो चम्मच सलाजीत खा के आए थे। ये ड्रिंक्स टाइम पे ना ड्रिंक्स कम ले रहे थे, सलाजीत ज्यादा खा रहे थे, इनको लग रहा था सलाजीत खाने से शॉट बड़े बड़े लगे। सारा मैच एक तरफ इरफान पठान का ये एक्शन जो होता है ना, ये तो समझ रहे हो ना पड़ोसियों, ये कल संडे है और संडे में लगा दिया इरफान पठान ने ये गुस्सा दिया। ये है रियल पठान, इसको बोलते हैं पठान के बच्चे, जुमे जो पठान मेरी जान। रात ही रात में बिस्तर गोल कर दिया। अब ये कल संडे को उठेंगे नहीं, ये कल फिर जो है नींद में जाएंगे सोएंगे, और अगर आएंगे भी तो सोशल मीडिया पे बोलेंगे पाई जान पिछता। अरे शर्म कर लो, बुड्ढो ने फेल दिया भाई। अबे बुड्ढो ने हरा दिया यार, युवराज सिंह का देखो इतना बड़ा पेट है भाई, उसने तुम्हें हरा दिया, शर्म कर लो भाई। और ये लोग इरफान पठान को ट्रोल करते थे कि भाई तू उधर कमेंट्री बॉक्स में बैठकर या वहां से बैठकर तू नाचता रहता है, कभी मैदान में खुद भी उतर के बता, आज पता चला। और लास्ट में जीतने के मोमेंट में स्ट्राइक पे पिच पे कड़ा भी जो है इरफान पठान है। पर ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाए हैं। यूनुस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे, और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, किसी के चेहरे पे नहीं आ रही।